हम चमत्कारों में विश्वास रखते हैं और विश्वास से चमत्कार होते हैं। इससे पहले भी हम ऐसी स्थितियों में आने के बाद सफल हुए हैं, ऐसा पाकिस्तान के उप कप्तान शादाब खान का कहना है, जो पाकिस्तान के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच से पहले मीडिया से बात कर रहे थे। वे एक बार फिर ऐसे स्थिति का उल्लेख कर रहे थे जिसमें पाकिस्तानी टीम एक आईसीसी इवेंट में फंस चुकी है। पाकिस्तान टीम की यह परंपरा बहुत पुरानी है कि जब वह किसी टूर्नामेंट में बुरी शुरुआत करें तो फिर अचानक उसे होश आता है और फिर टीम की जीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के पिछले 3 मैचों पर अगर नजर डालें तो उनकी खराब फील्डिंग और गेंदबाजी और बेंच पर बैठे ऑप्शनल खिलाड़ियों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह टीम की स्थिति को बदल पाएगी। लेकिन सवाल यह जरूर बनता है कि बात यहां तक आखिर पहुंची कैसे। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए, बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड कप शुरू होने से लगभग 5 महीने पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में खेली गई 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 से हरा दिया था। उस सीरीज में पाकिस्तान के लिए ओपनर फखर जमान ने 3 शानदार शतक लगाए थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए थे, जबकि हारिस रौफ, नसीम शाह और उसामा मीर काफी कामयाब थे। कप्तान बाबर आजम भी अच्छी फॉर्म में थे और सीरीज में 2 अर्धशतक और 1 शतक बना चुके थे। सीरीज समाप्त होने के बाद पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 5 में थे और पाकिस्तान टीम रैंकिंग के पहले नंबर पर आ चुकी थी। तो फिर पिछले 5 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम भारत जाकर गेंदबाजी और फील्डिंग में विशेष तौर पर बुरी तरह नाकाम दिखाई दी। वर्ल्ड कप का साल आमतौर पर वैसे ही महत्वपूर्ण होता है जैसे किसी राजनीतिक दल के लिए चुनाव का साल। इस साल के दौरान आमतौर पर दुनिया भर की टीम उन 15 खिलाड़ियों के दल को अंतिम रूप देती है जो क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने वाली होते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यही वर्ल्ड कप का साल आमतौर पर बोर्ड स्तर पर सबसे अधिक बदलाव का साल होता है। पिछले 1 साल के दौरान पहले रमीज राजा की जगह नजम सेठी को चेयरमैन बनाया गया और फिर ठीक वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले जगा अशरफ को चेयरमैन बना दिया गया। इस दौरान बाबर आजम की कप्तानी पर पुनर्विचार के बारे में भी विवाद बना रहा। शान मसूद, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में 4 साल तक कोई वनडे मैच नहीं खेला था, अचानक बतौर उप कप्तान टीम में शामिल कर लिए गए। यही नहीं, मार्च में अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज से पहले शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने की भी अफवाहें फैली थी, जिसके बाद शाहीन शाह की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिससे यह समझा गया कि वह बाबर आजम का समर्थन कर रहे हैं। नजम सेठी ने एक यूट्यूब चैनल पर पत्रकार वहीद खान को इंटरव्यू में कहा था, उनके लिए आंकड़े बहुत महत्व रखते हैं और अगर बाबर आजम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें कप्तान बरकरार रखा जाएगा, वरना आप समेत दूसरे पत्रकार उनकी कप्तानी पर सवाल करेंगे। बोर्ड चेयरमैन की ओर से दिया गया ऐसा बयान निश्चित रूप से किसी भी कप्तान पर दबाव बढ़ाता है और बाबर आजम ने, जो पहले से ही इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज हारने के कारण दबाव में थे, अगले कई मैचों के लिए टीम में अधिक बदलाव न करने का फैसला किया। इसका नतीजा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों के आउट ऑफ फॉर्म होने और घायल होने के रूप में भुगतना पड़ा, जब बेंच पर वैकल्पिक खिलाड़ी मौजूद ही नहीं थे। लेकिन उस इंटरव्यू में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई कि न्यूजीलैंड सीरीज से पहले जब उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली तो प्रभारी सिलेक्शन कमेटी राष्ट्रीय टीम में बदलाव के अलावा कप्तान को भी बदलना चाहती थी। इस प्रभारी सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष शाहिद अफरीदी थे। इसके बाद शाहिद अफरीदी की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया कि नजम सेठी की ओर से दिए गए बयान में उनके बारे में बात नहीं की गई थी। इन परिस्थितियों में न केवल पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किसी को आराम नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप में भी अधिक बदलाव नहीं किए गए। नतीजा यह निकला कि जब नसीम शाह घायल हुए तो उनका विकल्प हसन अली सामने आए, जो 1 साल से टीम के वनडे प्लान में शामिल ही नहीं थे। इसी तरह फखर जमान के आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद अब्दुल्ला शफीक को एशिया कप के अंतिम मैच में चांस दिया गया और साउथ शकील को वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला। ये तीनों ही खिलाड़ी अब तक वर्ल्ड कप में काफी हद तक बेहतर प्रदर्शन दिखाने में काफी कामयाब रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग दोनों ही बहुत खराब रही है। इसकी वजह साफ तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों में थकावट के संकेत हैं। इस थकावट के कारण एशिया कप के शेड्यूल और श्रीलंका में उमस भरी गर्मी में खेली जाने वाली लंका प्रीमियर लीग और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हो सकते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पहले लंका में जुलाई में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, जिसमें गेंदबाजी के लिए नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दोनों मौजूद थे। इसके बाद लंका प्रीमियर लीग में कप्तान बाबर आजम समेत पाकिस्तान के कई खिलाड़ी शामिल हुए, जबकि दूसरे खिलाड़ी द 100 नाम के फॉर्मेट में खेलने इंग्लैंड चले गए थे।
इससे पहले खिलाड़ियों ने अमेरिका में मेजर क्रिकेट लीग नाम की T20 टूर्नामेंट और कनाडा ग्लोबल T20 लीग में भी हिस्सा लिया था। यही वजह थी कि ज्यादातर खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट न होते हुए भी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करने की जगह T20 लीग खेल रहे थे। इन टूर्नामेंट को खेलने के लिए कई महीने पहले कॉन्टैक्ट किए जाते हैं और जहां नीतिगत रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से दूरदर्शिता का परिचय दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। इसी तरह एशिया कप में पाकिस्तान टीम के थका देने वाले शेड्यूल और श्रीलंका में ही अफगानिस्तान से सीरीज खेलने पर खिलाड़ियों के ऊपर काफी दबाव बढ़ा। इसी तरह जब टीम के सिलेक्शन का मौका आया तो कप्तान बाबर आजम की ओर से उन्हीं खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा किया गया जो लंबे समय से टीम के साथ मौजूद रहे। हालांकि वह हाल के दिनों में आउट ऑफ फॉर्म थे। सन 2019 के वर्ल्ड कप से इस साल 15 जुलाई तक पाकिस्तान ने केवल 27 वनडे खेले थे। यही वजह थी कि इस बारे में टीम में बदलाव का इस्तेमाल नहीं किया जा सका और ध्यान T20 पर रहा। इसके अलावा कई खिलाड़ी एक साथ आउट ऑफ फॉर्म हुए जिनमें सबसे ऊपर पाकिस्तान के गेंदबाज रहे। स्पिनर नवाज इस साल अप्रैल तक अच्छे फॉर्म में थे और पाकिस्तान को 20 के ओवर में विकेट निकाल करके दे रहे थे। इस साल अप्रैल से पहले खेले गए 11 वनडे मैचों में उनका औसत 21 का था जबकि उसके बाद खेले गए वनडे मैचों में उनका औसत 28 का है। शादाब खान जो चोटों का शिकार रहे खुद को वनडे क्रिकेट में बेहतर गेंदबाज मनवाने में नाकाम रहे और तभी उनकी जगह उसामा मीर को बैकअप के तौर पर शामिल किया गया और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अच्छा प्रदर्शन भी किया लेकिन उन्हें बाद में वर्ल्ड कप से पहले मौका नहीं दिया गया जो समझ से परे है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी शुरुआत के मैचों में अपनी बेहतरीन फॉर्म नहीं दिखाई और हारिस रॉफ भी काफी महंगे साबित हुए। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाकी मैचों में भी निराशाजनक प्रदर्शन करता है या वह स्विच ढूंढने में कामयाब हो पाएगा जो आमतौर पर ऐसे मौके पर पहले ही पाकिस्तान टीम तलाश पाई है और जिसका उल्लेख शादाब खान शुरुआत में कर रहे थे। वैसे आप लोग पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।